हेलो फ्रेंड्स, आज की इस नई वीडियो पर आपका स्वागत है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि दोस्तों कंप्यूटर में कैसे आप पिक्सल लैब में कृति देव का हिंदी फॉन्ट और अंग्रेजी के कुछ अच्छे अच्छे फॉन्ट्स कैसे आप कंप्यूटर के अपने पिक्सल लैब में ऐड कर सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उसके लिए सबसे पहले हमें कृति देव और इंग्लिश के कुछ फॉन्ट जो है वो हमको पहले इंस्टॉल कर लेना है। कृति देव के हिंदी फॉन्ट को पहले डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के लिए यहाँ गूगल पर जाएंगे। गूगल पर जाने के बाद यहाँ पर हमने लिंक को कॉपी किया है, डायरेक्टली यहाँ से पेस्ट कर देंगे। और आपको आपको यह लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर लिंक होगा। लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप इस वेबसाइट पर इजीली इंटर कर जाएंगे। और यहाँ पर आने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। डाउनलोड पर क्लिक करेंगे दोस्तों, हमारे यहाँ पर कॉर्नर पर यहाँ पर देख पाओगे डाउनलोड हो रहा है हमारा। उसके बाद यहाँ कॉर्नर पर देख पाओगे कि हमारा यह जो है या कृति देव का हिंदी फॉन्ट हमारा इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद इस ये जिप फाइल में है, इसको हम पहले ड्रैग करके अपने डेस्कटॉप पर ले जाएंगे। ये हमारे डेस्कटॉप पर आ गया है। डेस्कटॉप पर आने के बाद इस यह दोस्तों हमारे जिप फाइल में होता है। जिप फाइल में है तो इसको यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक्सट्रैक्ट फाइल का ऑप्शन होता है, एक्सट्रैक्ट फाइल पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है तो दोस्तों यहाँ पर पासवर्ड भी हम इसमें पासवर्ड भी मांगता है। पासवर्ड यहाँ पर डाल देंगे हम। पासवर्ड इसका है 7352 1569। डालने के बाद ओके कर देंगे तो दोस्तों यह फाइल हमारा एक्सट्रैक्ट हो रहा है। अब दोस्तों इसके पासवर्ड हम स्क्रीन पर लगा देंगे, आप वहां से इसके पासवर्ड को अच्छे से देख सकते हो। उसके बाद इसको ओपन करेंगे। करने के बाद देखेंगे कि इतना सारा हमारा जो है इसमें 400 प्लस के हिंदी फॉन्ट्स हमारे कृति देव के यहाँ पे रहते हैं। उसके बाद यह हमारा हो गया। अब हमें पिक्सल लैब में कैसे ऐड करते हैं वहाँ पर हम डायरेक्टली जाएंगे। तो अपने पिक्सल लैब को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस होता है। उसके बाद यहाँ पर ए वी फॉन्ट पर जाएंगे। ए वी फॉन्ट पर जाने के बाद यहाँ फर्स्ट हमारा ये है और सेकंड देख पाओगे कि सेकंड हमारा ऐड फॉन्ट्स पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों ऑलरेडी हमने इसमें 8-10 हिंदी फॉन्ट्स हमने इसमें ऐड किया है, तो इसी में आपको कृति देव के ऑल फॉन्ट्स को ऐड करके दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देख पाओगे कि प्लस का ऑप्शन है। यहाँ पर दोस्तों प्लस का ऑप्शन है, सिंपली इस प्लस पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारा यहाँ पर जितने इसमें फाइल दी है उसी फाइल में हमको उस एक्सट्रैक्ट फाइल को जो की है उसी में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें पहले यहाँ से बैग जाना होगा। यहाँ से हम बैग जाएंगे। तो यहाँ से हम बैक चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों उसका मेन फाइल होता है, मेन फाइल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद उसके मीडिया मैनेजर में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इंपोर्ट इंपोर्ट का ऑप्शन होता है, इंपोर्ट पर क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देंगे दोस्तों हमारा डेस्कटॉप ओपन, डेस्कटॉप पर हमारा है तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देख पाओगे कृति देव ऑल फॉन्ट्स यहाँ पर है, जो हमने एक्सट्रैक्ट फाइल किया था वो यहाँ पर होगा। उसके बाद सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओपन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद इसमें जितना भी है सबको हम कंट्रोल ए करके सेलेक्ट कर लेंगे, सारा हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ ओपन पर क्लिक कर देंगे तो इंपोर्ट हो रहा है, यहाँ पे पिक्सल लैब के फाइल मैनेजर में हमारा ऐड हो रहा है अभी। तो ये सारे फॉन्ट्स हमारे दोस्तों इस पिक्सल लैब के फाइल मैनेजर में आ गया है दोस्तों। अब यहाँ पर इसको हम एक को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट ऑल पर क्लिक कर देंगे तो हमारा सेलेक्ट ऑल हो गया। सेलेक्ट ऑल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख पाओगे एक्सप्लोरर, यहाँ पर दोस्तों आपको दिखा दें हम, यहाँ पर एक्सप्लोरर पर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हम डी सी एम नाम का एक फाइल है, देख पाएंगे आप DCM, तो इस हमें DCM पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद शेयर फोल्डर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसमें जितना आप उसमें कॉपी किए रहेंगे इसमें हमारा डायरेक्टली आके सेव हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अब कैसे पिक्सल लैब में ऐड करते हैं अब इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ से हम फिर से यहाँ से बैक चले जाएंगे। यहाँ से हम बैक चले जाएंगे फिर से बैक जाने के बाद फिर से पिक्सल लैब को ओपन करना है। पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद फिर से यहाँ ए पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ इन सब इंटरफेस आएगा, उसको ड्रैग करके नीचे जाएंगे। यहाँ पर है ए वी फॉन्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर माई फॉन्ट्स है, माई फॉन्ट्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ ऐड पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर देंगे। करने के बाद
यहाँ पर आप देख पाएंगे डीसीएम में हमने एक्सपोर्ट किया था, सारे हिंदी फॉन्ट्स को हमने इस डीसीएम में ट्रांसफर किया था। तो इस पर क्लिक कर देंगे, शेयर फोल्डर पर क्लिक करेंगे और इस पे एक को हम सेलेक्ट करेंगे, एक हमारा सेलेक्ट हो गया। उसके बाद ऐसे ही जितने भी फॉन्ट सिस्टम में है सबको हम बारी बारी से अपने माउस की सहायता से इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो सारा हमारा सेलेक्ट हो गया है, जितना भी फॉन्ट है सब हमारा सेलेक्ट हुआ। उसके बाद यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर देंगे, ऐड पर क्लिक कर देंगे तो दोस्तों सारे फॉन्ट्स हमारे इसमें ऐड हो जाएंगे। देख पाओगे जितने फॉन्ट्स हमारे थे सारे इसमें आ गए हैं। तो हिंदी का फॉन्ट हमारा पिक्सल लैब में ऐड हो गया है। उसके बाद अब कुछ यहाँ पे कुछ अंग्रेजी का भी फॉन्ट ऐड करना बताएंगे कि अंग्रेजी का फॉन्ट आप कैसे ऐड कर सकते हो जो ऑलरेडी हमारे पिक्सल लैब में नहीं होता है। तो उसके लिए फिर से हमें यहाँ पर एक लिंक मैं पेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। यह लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे इस वीडियो का लिंक आपको इजीली मिल जाएगा। उसके बाद इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पर भाषा सेलेक्ट करने के लिए किस मतलब लैंग्वेज में आपको फॉन्ट चाहिए, तो हमको अंग्रेजी फॉन्ट में चाहिए। तो यहाँ पे सबसे ऊपर देख पाओगे इंग्लिश का ऑप्शन है, कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख पाओगे कई सारे अंग्रेजी के फॉन्ट्स हमारे होते हैं, इंग्लिश के फॉन्ट्स होते हैं। यहाँ से आप कॉमिक पर क्लिक करेंगे तो उसके नीचे भी आपको कई सारे फॉन्ट्स अंग्रेजी के इंग्लिश के मिल जाएंगे। उसके नीचे आप क्लिक करेंगे तो और दूसरे लेवल में मिलेगा, जो फॉन्ट आपको अच्छा लगे उसी को आप, यहाँ पर अलग अलग फॉन्ट्स दिए होते हैं हमारे। तो हम यहाँ पे ओल्ड स्कूल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसमें से आपको जो जो भी फॉन्ट अच्छा लगे उसको आप यहाँ से इजिली डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ से हम इस फॉन्ट को डाउनलोड करेंगे, तो डाउनलोड पर हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ कॉर्नर पर आपका देख पाएंगे कि यह फॉन्ट हमारा लोड हो गया है। लोड होने के बाद दोस्तों इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर ले जाएंगे। तो इसको हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले जाएंगे, इसको ड्रैग करके कंप्यूटर की स्क्रीन पर लाएंगे। तो दोस्तों यह देख पाएंगे आपकी जिप फाइल में, तो इसको हम एक्सट्रैक्ट करके राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ एक्सट्रैक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे आप कि यहाँ पर फाइल बन के हमारा आ गया है। यहाँ पर हमारा फाइल एक्सट्रैक्ट हो गया है। अब इसको कैसे हम पिक्सल लैब में ऐड करेंगे, उसके लिए हमें पिक्सल लैब को फिर से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसके होम पेज पर चले जाना है। होम पेज पर जाने के बाद यहाँ पर फाइल मैनेजर में जाना है। फाइल मैनेजर में जाने के बाद यहाँ पर इम्पोर्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप पर जाएंगे और डेस्कटॉप पर जो हमने एक्सट्रैक्ट किया है उसी फाइल को हमें इसमें इंपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पर है दोस्तों हमारा, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ ओपन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यह दोस्तों हमारा पिक्सल लैब में आ गया है दोस्तों। उसके बाद फिर से हम चले जाएंगे अपनी पिक्सल लैब में, पिक्सल लैब को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर ए पर क्लिक करेंगे, उसके नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे। यहाँ पर ए बी पॉइंट पर का ऑप्शन है। ए बी पॉइंट पर जाने के बाद यहाँ पर फिर से आपको यहाँ पर माई फॉन्ट्स पर क्लिक कर देना है। माई फॉन्ट पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर ऐड का ऑप्शन है, यहाँ ऐड प्लस पर क्लिक करेंगे। स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, यहाँ पर होता है हमारा डी सी आई एम पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख पाएंगे इसी को डाउनलोड किया था, इसी यहाँ पर सही का टिक लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर ऐड सेलेक्ट पर क्लिक कर देंगे तो यह देख पाओगे सबसे लास्ट में हमारा आ गया है। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हमारा अंग्रेजी का फॉन्ट ऐड हो गया। इसी तरह से दोस्तों आप कई सारे अंग्रेजी के फॉन्ट एंड हिंदी के फॉन्ट्स यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो आपको रेगुलर इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।